आखिरकार फिर ब्रेक लग गए ट्रेन के। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूँ इस वक्त लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और आज है 4 नवंबर 2022 और आज मेरे यहाँ आने के वजह क्या है, चलें ये मैं आपको प्लेटफॉर्म पर जाकर बताता हूँ। तो ये लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन की कुछ हालात हैं। राइट साइड पर जो है ये मेन एंट्रेंस है स्टेशन की और पार्किंग वगैरह, और लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं कि जो लूप लाइन है ये अब की लूप लाइन है, जबकि मेन ट्रैक जो है एक चौड़े प्लेटफॉर्म के बाद वहाँ पर फिर अप एंड डाउन के ट्रैक्स हैं। तो चौड़ाई आप चेक कर सकते हैं प्लेटफॉर्म की कितनी ज़्यादा है अब प्लेटफॉर्म की स्पेशली। तो दोस्तों जब कराची सर्कुलर रेलवे अपने उरूज पर थी तो उस वक्त ये स्टेशन एक मेन स्टेशन हुआ करता था, और इसकी वजह ये कि यहाँ से एक रेल लाइन जो है वो कुरंगी एरिया जाती थी और वो लाइन यहाँ से निकलती थी। पूरे पीछे जो आप पूरा ग्राउंड देख रहे हैं यहाँ से लाइन कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ निकलती थी, जिस वजह से लांडी को जंक्शन कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आगे दो छोटे प्लेटफॉर्म भी मौजूद हैं और यहाँ पर जो है फ्रेट प्लेटफॉर्म भी है कि जहाँ पर पूरी ट्रेन लग जाती थी और फिर उनमें सामान लोड किया जाता था। काफ़ी वर्किंग में था पहले ज़माने में ये स्टेशन, लेकिन अब इसकी वो अहमियत रही नहीं है। बाकी प्लेटफॉर्म आप देख सकते हैं कि ये दो फ्रेट के कोचेज जहाँ खड़े हुए हैं ये दो छोटे प्लेटफॉर्म हैं, यानी कि 5 से 6 डब्बों की ट्रेन इसके ऊपर आ सकती है। इसके अलावा ये इसके बराबर वाला जो प्लेटफॉर्म है ये काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है फुल लेंथ के साथ, जिस तरह प्लेटफॉर्म होते हैं। बाकी दो प्लेटफॉर्म वो रहे 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 प्लेटफॉर्म का है ये लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन, जबकि ये दो जो मेन प्लेटफॉर्म है ये अप एंड डाउन की ट्रेन के लिए हैं। तो दोस्तों जो भी ओकेजन हो, ईद हो, बकरा ईद हो, कोई भी रिलीजियस इवेंट हो, जैसे रायवन में इज्तिमा होता है उसके लिए ट्रेन चलती हैं, स्पेशल ट्रेन चलती हैं। इसी तरह जमात इस्लामी की जो है वो भी स्पेशल ट्रेन चलती हैं। इसके अलावा 7 के लिए भी स्पेशल ट्रेन चलाई जाती हैं। दोस्तों इस वक्त सुबह के 9:10 हो रहे हैं और इतनी जल्दी लांडी जंक्शन पर आने का मकसद ये है कि आज कराची कैंट रेलवे स्टेशन से ननकाना साहब तक के लिए एक स्पेशल ट्रेन चल रही है जिसका नाम है सिख स्पेशल ट्रेन। तो स्पेशली आज उस ट्रेन की कवरेज के लिए मैं लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। तो मुझे लगा था कि काफ़ी सिख भाई जो होंगे हमारे वो लांडी स्टेशन पर मौजूद होंगे, क्योंकि लांडी स्टेशन पर सिख स्पेशल ट्रेन का स्टॉप है, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी सिख मौजूद नहीं है। और जितने भी पैसेंजर आप देख रहे हैं ये सारे 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस के हैं, जो कि 10 बजे कराची कैंट रेलवे स्टेशन से चलेगी। तो लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर भी जो है वो सिख स्पेशल ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप दिया गया है। तो ये है लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन का अप मेन प्लेटफॉर्म, यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 1, और डाउन वाला जो प्लेटफॉर्म है ये है प्लेटफॉर्म नंबर 2। तो दोस्तों 4 नवंबर 2022 को ये ट्रेन कराची से ननकाना साहब के लिए चलाई जा रही है, इसी तरह 9 नवंबर 2022 को ये ट्रेन ननकाना साहब से दोबारा कराची के लिए चलाई जाएगी। तो दोस्तों मैंने सोचा था कि इस ट्रेन को कराची कैंट रेलवे स्टेशन से कैप्चर करेंगे, लेकिन जो है वो उठने में मैं थोड़ा लेट हो गया सुबह, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना लांडी चलते हैं, लांडी से ट्रेन को कैप्चर करने, क्योंकि लांडी पर भी स्टॉप है इस ट्रेन का, तो मैं इसलिए लांडी आ गया। असल में कैंट स्टेशन और लांडी जाने का मकसद ये था कि इन दोनों जगहों पर ट्रेन के स्टॉपेजेस हैं। मैंने ये सोचा था कि इस ट्रेन में सफर करने वाले जो सिख मुसाफिर हैं वो भी स्टेशन पर जरूर मौजूद होंगे, जिनसे हम थोड़ी बहुत बात करें और आपको बताएंगे कि बेसिकली उनका ऐसा क्या इवेंट होता है जिस वजह से ये सिख स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है ननकाना साहब के लिए। क्योंकि मेरे नज़दीक इस तरह बगैर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हुए रिलीजियस के हवाले से बात नहीं करनी चाहिए, तो मैंने ये सोचा था कि किसी भी सिख भाई से बात करेंगे ताकि आपको फिर उन्हीं की ज़बानी सुनाएं कि ननकाना साहब में वो किस लिए जाते हैं। बाकी अगर आप में से कोई भी सिख भाई मेरी ये वीडियो देख रहा है तो जरूर कमेंट करें, मुझे बताएं और साथ ही हमारी ऑडियंस को भी बताएं कि आप लोगों का ऐसा क्या खास दिन होता है जिस वजह से आप लोग ननकाना साहब जाते हैं। तो दोस्तों अगर इस सिख स्पेशल ट्रेन के रूट की अगर हम बात करें तो मैं आप लोगों को स्टॉपेजेस बता देता हूँ जिससे आप लोगों को इस ट्रेन के रूट का आइडिया हो जाएगा। तो कराची कैंट रेलवे स्टेशन चलने के बाद ट्रेन अपना पहला स्टॉप करेगी लांडी जंक्शन पर, इसके बाद हैदराबाद जंक्शन, फिर टंडो आदम, शदादपुर, नवाबशाह, खैरपुर, रोड़ी जंक्शन, रोड़ी जंक्शन के बाद पन्नाकिल कैंट, फिर घुटकी, मीरपुर माथेलो, ढहरकी, खानपुर, और फिर खानपुर के बाद ये ट्रेन डायरेक्ट अपना नेक्स्ट स्टॉप करेगी खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर।
फिर खानेवाल के बाद ये ट्रेन डाइवर्ट हो जाएगी खानेवाल वजीराबाद ब्रांच लाइन पर, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं बल्कि शोरकोट कैंट रेलवे स्टेशन पर ये ट्रेन खानेवाल वजीराबाद ब्रांच लाइन को छोड़कर शोरकोट शेखोपुरा ब्रांच लाइन पर डाइवर्ट हो जाएगी, जहां से फिर ये ट्रेन अपना नेक्स्ट स्टॉप करेगी ननकाना साहब रेलवे स्टेशन पर। इसी के साथ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिख स्पेशल ट्रेन जो है ये सिर्फ कराची से नहीं चलाई जा रही है, बल्कि आज दोपहर 2 बजे एक सिख स्पेशल ट्रेन लड़काना से भी चलाई जाएगी, जो कि हबीबपुर के रास्ते रोड़ी तक आएगी और वो ट्रेन तकरीबन 5:30 बजे तक रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएगी। और फिर कराची से जाने वाली जो सिख स्पेशल ट्रेन है वो इस ट्रेन के तकरीबन 1 घंटे बाद रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएगी। और फिर लड़काना से आने वाली सिख स्पेशल ट्रेन और कराची से आने वाली सिख स्पेशल ट्रेन, ये दोनों ट्रेन फिर रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाद एक सिख स्पेशल ट्रेन बनकर ननकाना साहिब रेलवे स्टेशन तक जाएंगी। इसी तरह जब ये ट्रेन 9 नवंबर 2022 को ननकाना साहिब से कराची के लिए आएगी, इसी तरह फिर ये रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी कि जिसमें आधी ट्रेन आ जाएगी कराची और बाकी की आधी ट्रेन चली जाएगी लड़काना। तो दोस्तों ये एजीएम 30 के साथ आ रही है सिख स्पेशल ट्रेन, और आज एजीएमयू और आज इस ट्रेन की लीड पर लगा हुआ है एजीएम 38222। सिख यात्री स्पेशल ट्रेन लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है। काफी साफ सुथरे और नया रेक लगा हुआ है बिल्कुल सिख स्पेशल ट्रेन में। चले आगे चलते हैं, उसके डिपार्चर भी कैप्चर करते हैं। 9 इकोनॉमिकल एसी कोचेस और 1 AC स्टैंडर्ड के कोच के साथ सिख स्पेशल ट्रेन। तो ये देख सकते हैं आपके न्यू कोचेस लगे हुए हैं ट्रेन में। तो सिर्फ 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन डिपार्ट कर रही है। कराची शहर का एजीएम 38222 काफी बेहतरीन लोकोमोटिव। तो एक किसी ने पीछे जंजीर खींच दी है जिस वजह से ड्राइवर साहब ने डेंजर विसल दिया है। दोस्तों हाल ही में मैंने इस एजीएम 38222 के साथ 15 अप कराची एक्सप्रेस में जर्नी किया था कि जिसमें इसी लोकोमोटिव ने हमारी ट्रेन को लीड किया था। तो इंशाल्लाह कल यानी कि सैटरडे या संडे को आप लोग मेरे चैनल पर उस कराची एक्सप्रेस की वीडियो देखेंगे इस एजीएम 38222 के साथ, जो कि इस वक्त मेरे पीछे मौजूद है। फाइनली तकरीबन 15 मिनट बर्बाद करने के बाद ट्रेन डिपार्ट कर रही है लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन से पूरे 10 बजे की ट्रेन। अगर आप देखें तो आधा घंटा लेट हो चुकी है इस वक्त तक ही। एक बार
फिर ब्रेक लग गए ट्रेन के। दोबारा से शायद किसी ने जंजीर खींच दी है और ट्रेन दोबारा रुक गई। तो ये लोकोमोटिव के पीछे तो दो कोचेज आप देख रहे हैं सीएफआई के, सिर्फ इनमें जो है आप कह सकते हैं कि पब्लिक बैठी हुई है, बाकी इसके पीछे जितने भी कोचेज हैं सबके हालात आपके सामने हैं, कोई भी मौजूद नहीं है, सारे कोचेज बिल्कुल खाली हैं। और इसी तरह जो है वो बाकी पीछे के जितने भी कोचेज हैं वो भी ऐसे ही खाली हैं। फाइनली तीसरी बार दोबारा से ट्रेन तैयार है लाणी जंक्शन से निकलने के लिए, और अल्लाह करे कि बस इस बार ही यहाँ से चली जाए। ये 9 नंबर कोच जो है शरादपुर का है, इसका मेंशन है, बाकी एक एसी स्टैंडर्ड का कोच लगा हुआ है ट्रेन में और एक पावर वैन बहुत पुरानी है, बाकी सारे कोचेज न्यू हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। गर्मी ज़्यादा है कराची में, जबकि कराची से बाहर पंजाब का मौसम काफ़ी अच्छा है, तो फौरन घर जाते हैं और फिर घर जाकर फौरन से इस वीडियो को एडिट करके आप लोगों के लिए चैनल पर लाते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे जल्दी बात होगी आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी 15 अप कराची एक्सप्रेस की, जिसमें हमने 15 अप कराची एक्सप्रेस में कराची से अपना सफ़र शुरू किया था और वो कहाँ तक था ये तो वीडियो में ही देखेंगे। तो चलें, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।